बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चना बिरयानी, जो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चना बिरयानी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल जो बाहर से देख वाले बनाते हैं बिरयानी, तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपके साथ बिरयानी बनाना शेयर कर रहे हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें आधा कप ऑयल लिया है और दो दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं और इनको हमने स्लाइस में काट लिया है। इनको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज ब्राउन हो गए हैं, ये देखें इस तरह के ब्राउन प्याज हमें चाहिए। तो ये ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें ये प्याज हमने इस तरह से निकाल ली। अब इसमें हमने एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें डाल दिया है। तो कटोरी को मैं साफ़ कर लूँगी। इनको हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगी लहसुन को। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक दालचीनी, दो दालचीनी के पीस लिए हमने, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। आठ अदर लौंग ली, दो मोटी इलायचियाँ ली, पाँच छः सात अदद हमने हरी इलायची ली, एक खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, एक टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है, एक बादियान का फूल लिया है और तेज़पात लिया है और जो है हमने इसमें जायफल लिए। तो इन सारे मसालों को हम इस तरह से डाल के, लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया तो ये इस तरह से हमने मसाले इसमें डाल दिए। इनको भी हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे, मसालों को और लहसुन को दोनों साथ मिला के। तो ये मसाले हमारे फ्राई हो गए। अब इसमें हमने एक खाने का चम्मच जो है हरी मिर्चें कूटी हुई इसमें डाल दी, मोटी मोटी हरी मिर्चें हमने कूट ली थी। तो आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इनको भी हम हल्के हल्के आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हमने तीन लिए, तीन बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं तो इसमें हमने डाल दिए। अब ये चार अदद आलूबुखारे लिए तो ये भी इसमें मैंने डाल दिए। तो अब ये टमाटर गलने तक हम इनको पकाएंगे। अब ऊपर से हम इसको कवर करके तो हम एक से दो मिनट तक इनको टमाटर को गलने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हम इसमें चमचा लाएंगे ताकि जो है नीचे से मसाला हमारा जले नहीं। तो ये देखें अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक टीस्पून इसमें मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली, एक टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च ली, एक टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी ली, डेढ़ टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, आधा टीस्पून नमक लिए। तो ये डेढ़ टीस्पून सूखा धनिया हमने लिया है। तो ये सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो बिरयानी आज हम जो है घर के मसालों से बिरयानी बनाएंगे। तो इनको ऊपर से ढक के हम थोड़ी देर और पकाएंगे मसालों को। तो ये मसाले ये देखें ये पक गए हैं। अब इस तरह से हम इन्हें चमचे लाएंगे। तो मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया, टमाटर भी हमारे गल गए हैं, बस इतने ही टमाटर हमें गले हुए चाहिए। अब इसमें हम आधा कप दही हम ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अब इसमें हमने चने जो है हमने बॉईल कर लिए थे, तो ये दो कप चने हैं हमारे, तकरीबन एक पाव जो है हमने चने बॉईल कर लिए थे और इसे जो है हमने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है। इसमें मीठा सोडा हमने नहीं डाला, बहुत ज़्यादा हमने चने नहीं गलाए इसमें।
अब चनों को थोड़ी देर भूनना है मैंने, और इसमें हम जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से प्याज हमने बचा लिए हैं जो हम दम लगाएंगे तो डालेंगे इसमें। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये देखा कितने ही सिंपल तरीके से आज हम आपके साथ बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो अब इसे ऊपर से ढक के हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो ऊपर से हम अब इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, ये मसाला अभी हमारा पक रहा है। तो अब हम इसे जो है 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो मसाला हमारा पक गया, तो हमने मसाला उतार लिया चूल्हे से। अब हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, और आधा किलो हमारे चावल हैं, तो इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का पीस लिया है, और 5 अदद हरी मिर्ची ली हैं, और इसमें 2 खाने के चम्मच हमने नमक लिए। अब पानी को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। अब इसमें जो है 1 लेमन का जूस लिया है, तो लेमन का जूस इसलिए हम लोग डालते हैं कि ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। तो ये आधा किलो चावल हैं, तो इनको हमने तकरीबन 1 घंटा भिगो कर रखा था। तो हमने सेला चावल लिए, तो देग वाले जो बिरयानी बनाते हैं वो सेला चावल से बनाते हैं, तो सेला चावल जो है वो जल्दी टूटते भी नहीं, और ये खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं, बिरयानी इसकी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से ये होता है कि चावल हमारे जो है वो साथ जुड़ते नहीं और खिले खिले बनते हैं। तो इनको हम इस तरह से चमचा हिला लेंगे। अब ऊपर से ढक के हम थोड़ी देर और पकाएंगे चावलों को। अब चावल हम देख लेते हैं, तकरीबन हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये देखें, इस तरह के चावल हमारे गले हुए होने चाहिए। तो इसको हम 15 मिनट तक दम पे रखेंगे, तो ये मज़ीद और जो थोड़ी कसर रहती है तो वो पक जाएंगे। तो चावलों को हमने छान लिया है। अब हम जो है इस पानी जो है हमने बिल्कुल ही इसमें से कर लिया, निचोड़ लिया है। तो अब हम इसकी तह लगाएंगे बिरयानी की। तो नीचे हमने इस तरह से चावल डाल दिए, और ऊपर हमने इस तरह से चने डाल दिए। तो इसको हम तह अभी लगाएंगे। अब इसके ऊपर हमने धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर और चावल हम इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से चने की बिरयानी बनाएं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से घर के मसालों से बिरयानी बन जाती है। अब इसमें चावल है मैंने इस तरह से डाल दिए। अब इसके ऊपर फिर हम ये सालन डालेंगे चने का। तो ऊपर फिर हम जो है हम धनिया और पुदीना डाल देंगे, और फिर ऊपर इस तरह से हमने चावल जो लास्ट हमारे रहते थे वो भी डाल दिए इसमें। ये चावलों को मैंने ऊपर से फैला दिया। अब तली हुई प्याज जो बाकी रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और ये हमने जो है केवड़ा इससे, तो ये हम थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, इससे खुशबू बिरयानी की बहुत ही अच्छी आती है। तो ये मैंने केवड़ा इससे इसमें डाल दिया। अब इसमें फूड कलर जो है जर्दे का रंग जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैं डाल दूँगी। तो ये देखें, अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। तो 15 मिनट जो है हो गए हैं, तो अब हम हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं, दम आ गया चावलों को। तो ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले हमारे चावल बने, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आज हमने बिरयानी बनाना आपके साथ शेयर किया। तो ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने, एक एक दाना अलग चावलों का बने। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार से देगी बिरयानी हमारी बन के रेडी हुई है। तो ये देखें, आप इसे रायते के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, और बहुत ही बनाना आसान है। तो हर कोई इसे बना सकता है आसानी से।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।